इसे सहाय स्वागत है मेरा एका किचन में। आज हम लोग बनाएंगे चिकन और आलू की बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी, लेकिन ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार इस तरीके का चिकन और आलू की रेसिपी बनाने का मन करेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 1 किलो चिकन ली और धो के साफ कर ली हूँ। 5 छोटे साइज का आलू को धो के छील के इस तरीके से बीच में काट ली हूँ। इसे चिकन में डाल देंगे और इसमें आप डाल देंगे 1 बड़े साइज का टमाटर, जिसे मैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैं पतला पतला काट ली हूँ। और इसमें आप डाल देंगे 5 हरा मिर्चा, जिसे मैं बीच में चीरा लगा ली हूँ। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी और 2 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिल्ली का पाउडर। और साथ में डाल देंगे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के चिकन मसाला और साथ में डाल दे 2 चम्मच दही। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छा से मिक्स करना होगा। तो देखिए अच्छा से मिक्स हो गया है। इसे ढक के आधा घंटा के लिए रख देंगे। जैसे ही मैं मिक्स करते जा रही हूँ, चिकन से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। इस तरीके से ढक्कन बंद कर दे और आधा घंटा के लिए रख देंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस के ऊपर मैं कढ़ा रख दूँ। कढ़े में डाल देंगे सरसों का तेल और सरसों का तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें डाल देंगे 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग और 5 गोल मिर्च और आधा चम्मच जीरा और 3 इलायची। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और अच्छा से चटकने देंगे। तो देखिए अच्छा से चटक गया है। इसमें आप डाल देंगे जो चिकन का जो मिश्रण तैयार किए थे उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें चिकन को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। तो इस तरीके से हमें सारे चिकन को डाल देना है और हमें तेज आंच में इसी तरीके से चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए भुनाई करने से चिकन का भी भुनाई अच्छा से हो जाता है। तो देखिए अच्छा से मैं चलाते हुए कुछ देर के लिए चिकन को भून ली हूँ और चिकन पानी छोड़ने लगा है। तो यही सही टाइम है कि इसमें हम लोग नमक डाल दें। ध्यान रहे कि मैं पहले भी नमक डाली हूँ, इसीलिए नमक अब अपने ग्रेवी के हिसाब से नमक डालें। तो 1 चम्मच में नमक डाल दी। नमक डाल के अच्छे से चला देंगे और इस तरीके से अच्छे से चला लेने के बाद ढक्कन बंद करके धीमी आँच में कुछ देर के लिए पकने देंगे। तो देखिए मैं ढक्कन बंद कर दी और ढक्कन बंद करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए लगभग 15 मिनट हो गया है और ये देखिए पानी सूख गया है और तेल ऊपर आ गया है। तो देखिए कितना अच्छा से हम लोग का चिकन पक गया है। तो बीच में मैं 2 बार चला दी थी और चिकन बहुत ही अच्छा से पक गया है। इस समय आप चिकन को परोस भी सकते हैं, पर मुझको ग्रेवी वाला चिकन चाहिए। तो इसमें मैं 1 बड़ा मग गर्म पानी डाल रही हूँ। और गर्म पानी अब अपने हिसाब से डालें, कितना आप लोगों को ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से आप पानी डालें। और गर्म पानी डालने के बाद 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे और अच्छा से चला देंगे और उबाल आने देंगे। तो देखिए उबाल आ गया है। तो इस समय ढक्कन को बंद कर देंगे और आँच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए लगभग 5 मिनट हो गया है। ढक्कन खोल देंगे और वाह बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है चिकन से। पड़ोसी भी पूछेंगे क्या बन रहा है, इतना अच्छा ये चिकन बन के तैयार हुआ है। और आलू भी बहुत ही अच्छा से पक गया है और चिकन भी बहुत ही अच्छा से पक गया है। तो इस समय ढेर सारा धनिया डाल देंगे और अच्छा से धनिया डाल के चला देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और गैस को ऑफ करने के बाद ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए हम लोग का चिकन और आलू की रेसिपी बनके तैयार है। मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।